आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का ये ट्यूटोरियल मैंने आप लोगों को इसलिए आप लोग के लिए इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि कल 21 जुलाई है और 21 जुलाई तक भारत सरकार ने ढेर सारी गैर सरकारी संस्थाओं से, सरकारी संस्थाओं से, आम लोगों से और डायरेक्ट सेलर, जितने भी भारत में कंपनियाँ हैं, 457 कंपनियाँ हैं, उनके डायरेक्ट सेलरों से जो है उन्होंने मांगा था सुझाव और वो सुझाव आपको देना था 21 जुलाई तक। और ढेर सारे लोगों के दिमाग में जब 21 जुलाई तक सुझाव मांगने की जो बात पेपर में आई, न्यूज़पेपर में आई, मैंने भी इसको दैनिक जागरण में पढ़ा था, 7 जुलाई के दैनिक जागरण में अर्थ जागरण वाला जो चैप्टर है इसमें पढ़ा था, मैंने उसका वीडियो भी आपको बना के दिखाया हुआ है, तो उसमें मैंने भी पढ़ा था और बहुत बारीकी से मैंने पढ़ा था। फिर मैं इसको कंपनी मामले जो कंपनी खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय उसकी वेबसाइट पर जाकर के देखा था और IDSA, FDSA, FITSE और WDSA की वेबसाइट पर भी जाकर के जो भारत सरकार का जो 12 पन्ने का जो नियम में बदलाव करने का जो चार्ट वहाँ पे, जो बातें वहाँ पे बताई गई थी वह मैंने उसको पढ़ा था। पढ़ने के आधार पर मैंने 7 तारीख का जो इन्फॉर्मेशन था उसको 8 या 9 तारीख के वीडियो में मैंने पूरा आपको बताया हुआ है। लेकिन इसी दौरान कुछ आम लोगों को और कुछ खास से खास ज़्यादा लोगों को इस बात का गलतफहमी हो गया, इस बात का फितूर हो गया है कि सेफ शॉप अब बंद हो जाएगी क्योंकि बाइनरी सिस्टम है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ, इस तरह की जो है जो बात है अपने दिमाग में मत लाइए। शायद आप बंद हो सकते हैं, आपकी जान जा सकती है, आपकी आवाज़ बंद हो सकती है, लेकिन सेफ शॉप की जो ईंट है, सेफ शॉप का जो दरवाज़ा है और सेफ शॉप के जो डायरेक्टर हैं बहुत मजबूत हैं। आम आदमी के बस की बात नहीं है उनकी सोच तक पहुंचना और आम आदमी के बस की बात नहीं उनके बराबर बात करना। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो ट्यूटोरियल मैंने इसलिए बनाया है कि मैं आपको 10 से 11 वो जो मजबूत स्तंभ हैं, जो ईंटें हैं, जो नियम हैं, जिसका भारत सरकार की गाइडलाइन से जो है आज सेफ साफ पालन करती है, तो मैं आप लोग को आज लाइव दिखाता हूँ कि सेफ साफ वो 11 नियमों को कैसे पालन करती है और वो कहाँ से पालन करती है। तो लाइव आपको यहाँ पे आज देखने का मौका मिलेगा, कुछ मैं वेबसाइट के माध्यम से दिखाऊंगा, कुछ आपको ऐसे दिखाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और ये जानें कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जिसमें करने वाले हैं, वह कितनी मजबूत है और वह उसके जो डायरेक्टर हैं उनकी सोच कितनी बड़ी है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कि आज ये वीडियो कैसे खास होने वाला है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। और सबसे पहले मैं एक बात कंफर्म कर देना चाहता हूं कि जो लोग इस बात को बोल रहे हैं कि IDSA के द्वारा बनाए गए नियम या IDSA के द्वारा दिए गए सुझाव को भारत सरकार मानेगी या FDSA के द्वारा दिए गए सुझाव को भारत सरकार मानेगी या FITSE के द्वारा दिए गए सुझाव को भारत सरकार मानेगी या WDSA के द्वारा दी गई सुझाव को भारत सरकार मानेगी, ये सरासर गलत है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो सुझाव होता है वो सबसे मांगा जाता है, सभी सरकारी संस्थाओं से या गैर सरकारी संस्थाओं से या आम पब्लिक से या छोटे मोटे जितने भी लोग होते हैं जो बिजनेस की नॉलेज रखते हैं, डायरेक्ट सेलिंग ई कॉमर्स की नॉलेज रखते हैं, उनसे सबसे मांगा गया है। किस पे आपको मेल करना है, क्या करना है, वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊँगा। आज के वीडियो में मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि भारत सरकार के द्वारा, या आप ऐसे कह सकते हैं कि खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय कंपनी मामले भारत सरकार के द्वारा जो एक जो आदर्श डायरेक्ट सेलिंग की जो एक गाइडलाइन है जो समय समय पे बदलती रहती है, तो समय समय पे भारत सरकार की जो गाइडलाइन बदली तो सेफ साहब ने भी अपने समय, अपने काम करने के तरीके में, अपने सारे प्रोसेस में समय समय पे बदलाव किया और वो जो बदलाव किया उसकी वजह से आज ये नतीजा है कि 22 जनवरी 2001 में जब शायद आप इंटर भी नहीं पास किए होंगे, उस समय से शायद आप देखेंगे तो ये कंपनी आज 22 सालों से 21 सालों से आज चल रही है। और हमारा आपका अंदाज़ा नहीं होगा, हमारे आपके पास दिमाग नहीं है इतना कि ये और कितना बदलाव करेगी, कब कब बदलाव करेगी। तो मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सभी लोग केवल और केवल इस बात पर भरोसा करें कि भारत सरकार की जो भी गाइडलाइन जब भी आएगी, सेफ शॉप अपने आप में जरूर बदलाव करेगी। कभी बंद होने वाली जो शब्द है उसको कभी भी अपने अपने दिमाग में लाइएगा और ना कभी अपने जबान पे लाइएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को 10 वो रीज़न बताने वाला हूँ, 10 से 11 रीज़न बताने वाला हूँ और लाइव आपको मैं डेमो दिखाने वाला हूँ कि आखिर क्या वो वजह है और हम उस वजह को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो जो सबसे पहला रीज़न है,
आदर्श डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया जो सबसे पहला नियमन है, जो सबसे पहला रूल और रेगुलेशन है कि उस कंपनी का पूरे भारत में अगर व्यवसाय करने के लिए एक हेड ऑफिस होना चाहिए, यानी कि एक प्रधान कार्यालय होना चाहिए, जो कि आपको इस बिल्डिंग को देख करके दिखाई दे रहा होगा कि ये बिल्डिंग आज 22 जनवरी 2001 से एक ही जगह पे एक ही पते पर उन्हीं 5 डायरेक्टरों के माध्यम से संचालित की जा रही है। ना वहाँ से ये हेड ऑफिस हिला है, ना वो 5ों डायरेक्टर हिले हैं, और शायद मुझे उम्मीद है कि आप सभी भी नहीं हिलेंगे। तो दोस्तों ये पहला रीज़न है जो कि आप देख रहे हैं। दूसरा रीज़न है कि आदर्श डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की जो दूसरी गाइडलाइन है कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास प्रोडक्ट होना चाहिए। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि भारत सरकार का जो नियम है उसको फॉलो करते हुए सेफ शॉप ने आज जो ब्रांड अपना बनाया है, आज जो प्रमोटर्स हैं, आज जिनसे सेफ शॉप का टाई अप है, जो सेफ शॉप के साथ अपने ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हैं, उनके जो संख्या है आप देख सकते हैं 300+ है। पूरे 9 कैटेगरी में प्रोडक्ट मौजूद हैं और 300 से भी ज़्यादा संख्या में प्रोडक्ट मौजूद हैं। तीसरा रीजन आप देख सकते हैं, तीसरा जो नियमन है जो सबसे बढ़िया नियमन है कि यह कंपनी या सेफ शॉप कंपनी प्रोडक्ट बेचती है। साफ साफ यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, जब भी आप अपनी लॉग आईडी डालेंगे या डालने की कोशिश करेंगे तो www.safeshopindia.com पे जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे कुछ भी आने से पहले एक पॉपअप आता है, एक मैसेज आता है, ब्लिंक मैसेज आता है, जिसमें साफ साफ लिखा रहता है कि यह कंपनी का जो मूल काम है वह प्रोडक्ट बेचना है और आपको जो पैसा मिलता है वो प्रोडक्ट बेचने पे मिलता है। साफ साफ मोटे अक्षरों में हिंदी में लिखा हुआ है और इंग्लिश में, दोनों में आप पढ़ करके अपनी समझदारी को दुरुस्त कर सकते हैं। और आप देखें तो चौथा जो रीज़न है कि केवल साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि नियम बनाया गया है कि केवल प्रोडक्ट बेचती हो, तो साफ साफ सेफ साफ ने भी अपने वेबसाइट में लिखा हुआ है कि केवल उत्पादों की बिक्री पर ही कमीशन मिलेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग ही है, बाइनरी सिस्टम नहीं है। बाइनरी सिस्टम वहाँ ब्रेक हो जाता है जहाँ केवल पैसे के बदले पैसा मिलता है। यहाँ पर आपने सामान लिया आपको पैसा मिला, कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि बाइनरी सिस्टम है, क्योंकि काम यहाँ डायरेक्ट सेलिंग का हो रहा है। आप किसी भी कंपनी में बात कर लीजिएगा या कभी भी, जो पैसा देने का जो ढांचा है उससे आपको ज़्यादा नहीं समझना है, समझना इस बात से है कि वो पैसा किस वजह से दे रही है, किस वजह से दे रही है। तो वही वजह यह है कि आप सामान बेच रहे हैं आपको पैसा मिल रहा है, तो उत्पाद बिकता है, साफ साफ लिखा हुआ है कि उत्पाद बिकता है तो पैसा मिलता है, यानी कि कमीशन मिलता है। पांचवा रीजन है कि कोई भी सदस्यता शुल्क नहीं लेना होगा। तो जो भारत सरकार की गाइडलाइन है कि कोई मेंबरशिप चार्ज नहीं लेना है, तो सेफ साफ भी यहाँ पे साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखी हुई है कि यहाँ पे कोई सदस्यता शुल्क नहीं है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई मेंबर फीस नहीं है। तो दोस्तों छठा जो नियम है आपको मैं बताऊं कि जो छठा जो लीगल जो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो गाइडलाइन है भारत सरकार के माध्यम से और जिसको सेफ साफ पालन करती है, वो है कि किसी भी प्रकार का आप देखें तो अनावश्यक किट नहीं देना है। तो सेफ साफ भी आप जब भी सेफ साफ में शामिल होंगे तो कोई भी सामान लेंगे और कोई भी सामान सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे तो उसका जितना पैसा होगा उतना पे करेंगे, तो सामान के बदले में, पैसे के बदले में केवल सामान आएगा, वह भी बिल वाउचर के साथ आपके घर पे आपको मिलेगा डायरेक्ट। उसके साथ एक फ्री में आपको टॉफी भी आपको नहीं देती है सेफ साफ। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सेफ साफ केवल और केवल जो है सामान देती है, कोई अनावश्यक किट नहीं देती है, ना ही उसका कोई अलग से पैसा लेती है। और सातवां जो नियम है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो एक मॉडल होती है, जो आदर्श डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो नियम है भारत सरकार के माध्यम से, वह यह है कि किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं देती है। तो सेफ साफ भी किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं देती है, किसी भी प्रकार का प्रॉमिस नहीं करती है। साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि केवल उत्पाद की बिक्री पर ही कमीशन मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। तो प्रॉमिस यहाँ पर नहीं है कि हम आपको जो है स्टार क्रूज में घुमाएंगे, हम आपको जो है यूरोप ले जाएंगे या हम आपको गोवा ले जाएंगे। साफ साफ ये बात वो बताती है कि इतने दिन में इतना सामान बेचेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, और अगर एक्स्ट्रा काम करते हैं तो एक्स्ट्रा काम करने का आपको ये बोनस के रूप में मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के बात वही है, सामान बिकेगा तो पैसा भी मिलेगा और बोनस के रूप में
घूमने फिरने का भी मौका मिलेगा। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि कुल मिला के बात वही है कि डायरेक्ट सेलिंग अगर सामानों की होती है तो ही सब कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। कोई यहाँ प्रॉमिस नहीं है, कोई प्रलोभन नहीं है। साथ में आठवां जो आदर्श डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो नियम है वो यह है कि रिटर्निंग पॉलिसी भी प्रोडक्ट्स की होनी चाहिए। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि रिफंड पॉलिसी भी सेफ साहब के पास मौजूद है और मैं आपको कह सकता हूं कि आप इसके बारे में जानकारी और ले सकते हैं। तो आप देखेंगे तो अगर आपको चाहिए रिफंड पॉलिसी पर तो मैं एक आपको वीडियो बना के दे सकता हूँ, आप प्लीज़ कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बना दूंगा। आवश्यक सामानों की एक नवा जो नियम है आपको मैं बताऊं कि सेफ साहब जो पालन करती है, भारत सरकार की गाइडलाइन है आदर्श डायरेक्ट सेलिंग के लिए, नवा जो नियम है कि आवश्यक सामानों की गारंटी वारंटी भी होनी चाहिए। यानी कि जैसे कि सेफ साहब में आरओ है या वाटर प्यूरीफायर है ओमेक्स का, तो इसकी भी आप वो मरम्मत करता है यानी कि वारंटी पीरियड में है तो ज़रूर उसको जो है मरम्मत कराता है या मरम्मत करा के आपको भेजेगा। तो ये सहूलियत भी यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। साथ ही में आपको देखेंगे तो यहाँ पर सबसे अच्छी जो बात मुझे लगी कि भारत सरकार ने जो आदर्श गाइडलाइन बनाने का जो नया नियम निकाला हुआ है सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए कि हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चाहे वो सेफ साहब हो या चाहे कोई और हो, भारत सरकार के जो समय समय पर नियम आते हैं उनका अनुपालन कराने के लिए कंपनियों को एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपको मैं बताना चाहूँगा कि सेफ साहब ने भी अपना अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया हुआ है। और आप देखेंगे तो भारत सरकार ने यह भी कर रखा है कि हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को अपने यहाँ एक शिकायत और निपटान अधिकारी को नियुक्त करना होगा, जो कि समय समय पे जो कंज्यूमर होते हैं उपभोक्ता होते हैं उनकी शिकायतें होती हैं या कंपनियों की शिकायत होती है या लोगों की शिकायत होती है, किसी भी आदमी की अगर शिकायत है तो वह अगर कंपनी से करता है तो उस व्यक्ति विशेष को इसका निपटान करके उसको राहत देना होगा। तो सेफ साहब ने भी अपने यहाँ शिकायत और निपटान अधिकारी मौजूद करके रखा हुआ है। और जो तीसरी सबसे अच्छी बात में जो मुझे लगी कि भारत सरकार ने ये गाइडलाइन बनाया हुआ है आदर्श डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए कि हर व्यक्ति को अब अपना नोडल अधिकारी नियुक्त करके रखना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं कि जो नोडल अधिकारी होता है भारत सरकार की तरफ से जो जाँच एजेंसियाँ होती हैं जो हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की जाँच करती हैं, तो ऐसी जाँच एजेंसियों को मदद करने के लिए नोडल अधिकारी की व्यवस्था की जाती है। तो सेफ साहब ने भी नोडल अधिकारी की व्यवस्था की हुई है। कौन अनुपालन अधिकारी है, कहाँ पे बैठता है, क्या उसका नंबर है, क्या उसका ईमेल आईडी है, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ग्रेविटेंस करके एक ऑप्शन आता है www.safesofindia.com के, जब आप सेफ साहब के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो एक ग्रेविटेंस का एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा और यहाँ से आप पूरी अधिकारियों की सूची, उनकी जो जगह है, ईमेल आईडी है, सब कुछ आप पता कर सकते हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप प्लीज़ कमेंट करेंगे और मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बता सकूँ, या आप डायरेक्ट हेड ऑफिस में भी फ़ोन कर सकते हैं। तो आप ऐसे देख सकते हैं। और जो 11वां और अंतिम जो नियम है जो आदर्श डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए भारत सरकार ने जो नियम निकाला हुआ है जिसको फॉलो करना हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की जो है ज़रूरत है कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी उपभोक्ता का, किसी भी जांच एजेंसी का या किसी भी आम से खास व्यक्ति का जो आपसे जुड़ा हुआ है या जुड़ने वाला है या जुड़ना चाहता है, अगर उसकी कोई जानकारी है, कोई कंप्लेन है, कोई शिकायत है, कोई सुझाव है, अगर वो आपसे मांगता है चाहे फ़ोन करके, चाहे ईमेल करके, चाहे मैसेज करके, तो उसके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब या शिकायत का समाधान जो कुछ भी है उसका आपको निपटान करना पड़ेगा। चाहे आप जो है उसको कॉल करके उसको फीडबैक दीजिए, उसके प्रॉब्लम का सलूशन दीजिए, चाहे आप उसको मैसेज करके कीजिए, चाहे उसको ईमेल करिए, चाहे आपको उसको व्हाट्सअप करिए, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये करना पड़ेगा। ये मुझे सबसे अच्छी सर्विस लगी और सेफ साहब ने भी इसको अपने आप कंप्लाइन किया हुआ है। आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आपकी कोई कंप्लेन है और अगर आप ईमेल करते हैं, सही ईमेल पे मेल करते हैं, सही टेलीफोन नंबर आप मिलाते हैं और अपने कोई भी शिकायत है, सुझाव है, कोई क्वायरी है आप करते हैं, तो सेफ साहब तुरंत एट मोमेंट अगर करने वाली बात होगी तो तुरंत सोल्यूशन कर देगी। और अगर नहीं तो आपको विद इन 24 आवर्स में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको ईमेल आ जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा, आपको कॉल बैक आ जाएगा।
क्योंकि आप देखेंगे तो इनकी जो सूचना जो सूचनाओं वाली जो सर्विस है वो बहुत ही पहले से बहुत ही ज़्यादा डायनामिक हो गई है, आधुनिक हो गई है। मैं तो बहुत प्राउड फील करता हूँ कि पहले से ज़्यादा बढ़िया मेल आ जाता है, जल्दी मेल आ जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, मुझे बहुत सहूलियत होती है दोस्तों काम करने में। तो दोस्तों ये रहा कुछ 10 से 11 ऐसे आदर्श डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को जो नियम होते हैं जो भारत सरकार ने जारी किए हुए हैं और सेफ साफ उसको बाकायदा अपने यहाँ जो फॉलो करती है, मैंने आपको वेबसाइट में कहाँ कहाँ पर है, कैसे कैसे है और कहाँ कहाँ है इसको मैंने आपको बताया। मैं जरूर चाहूँगा कि आप ज़रूर वेबसाइट जो है आप विजिट करें www.safesofindia.com और जहाँ जहाँ पर मैंने बताया वहाँ पर जाकर के आप ज़रूर सर्च करें, खुद रीड करें, समझें, ताकि जब आप समझेंगे तो लोगों को समझा पाएंगे, जिसकी वजह से लोगों का, आपका और सेफ साफ इन तीनों लोगों का जो रिलेशन है, जो व्यवसाय है, ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और बहुत मजबूती के साथ बढ़ेगा। दोस्तों आप सभी लोगों ने आज का ये वीडियो ट्यूटोरियल देखने के लिए समय निकाला, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दिल और इरादा दोनों मजबूत करके रखिएगा, भारत सरकार की हर एक गाइडलाइन का पालन सेफ सब सिस्टम करता है, करता रहेगा और हम आप जैसे लोगों को आम से खास बनाता रहेगा। इन्हीं सब बातों के साथ आज के लिए मुझे विदा करें, मुझे अनुमति दें और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।